अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू माय न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। और यहाँ पर मैं आधी आधी नींद की हालत में उठ चुकी हूँ। वैसे तो प्लान था काफ़ी ज़्यादा जल्दी उठने का, बिकॉज मुझे अपना जो काम है वो फिनिश करना था, बट कोई बात नहीं, बहुत ही कम जो काम है वो बचा हुआ है। सो आई थिंक आई बी एबल टू फिनिश इट ऑन टाइम या फिर बिफोर टाइम, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले ना ब्रेकफास्ट कर लिया है मैंने, और उसके बाद ना जैसे मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, मैंने कहा कि बस बीच बीच में काम भी ख़त्म करते ना, बिकॉज इट्स नॉट काइंड ऑफ वेरी टफ जॉब टू डू, बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। सो इस वजह से मैंने जब भी मुझे टाइम मिला था बीच बीच में, आई एम ट्राइंग टू फिनिश इट एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके, सो आफ्टर दैट ना अपनी ड्यूटी पर लगते हैं, और काम ख़त्म करने के बाद मेरे पास काफ़ी टाइम बचा था, तो मैंने सोचा थोड़ी सी एडिटिंग कर लेते हैं। एंड मैं रोज़ करती हूँ, हालांकि देखा जाए मैं थोड़ी थोड़ी एडिटिंग रोज़ करती हूँ, बट स्टिल मेरे पास ना टाइम नहीं बच पाता है कि कम्प्लीट मैं एक वीडियो विद एडिटिंग एंड वॉइस ओवर के साथ उसको अपलोड कर सकूँ, बिकॉज आई डोंट नो वेयर एम आई लैकिंग। बट कोई बात नहीं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड ठीक है, बस कोई ताने नहीं मारेगा मुझे। अच्छा ओके, सो अब बस चलते हैं एडिटिंग की तरफ। हेलो एवरीवन, सो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 11 बज रहा है, मैंने काम वाम सारे ख़त्म कर लिए हैं अपने, और अभी ना मुझे एडिटिंग करनी है। आई डोंट थिंक आज मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँगी, क्योंकि एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है, कल मुझसे हो ही नहीं पाया, बिकॉज आई हैड लिटरली वर्क टू डू और मुझे एडिटिंग का टाइम मिल ही नहीं पा रहा है। मैं शूट भी जैसे तैसे कर लेती हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू एडिट एंड वॉइस ओवर द वीडियोज। सो आई थिंक मैं एक दिन आज स्किप करूँगी एंड देन टुमारो आई एम गोना अपलोड इट इन कंटिन्यूस मैनर। सो या अभी वीडियो एडिटिंग थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, उसके बाद फिर क्लास के लिए रेडी होना है, और मुझे बैंक भी जाना है आज, सो थोड़ा काम है मुझे, सो आई एम गोना लीव हाउस अर्ली टुडे। सो या अभी फिर क्लास से आके थोड़ी बहुत और एडिटिंग करनी है, मेरा प्रोजेक्ट का काम अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है, सो क्लास से आने के बाद वो फिनिश करूँगी, और कल सबमिशन है, सो आज के बाद मुझे ख़त्म करना ही पड़ेगा। ओके, सो अभी चलो काम पे लगते हैं। अच्छा ठीक है, इस वक्त तक है ना एडिटिंग हो चुकी है मेरी, और अब क्लास जाने की प्रिपरेशन करती हूँ मैं। सो उसके पहले ना यहाँ पर मेरे भाई के जो जिम का बैग है ना, उसके अंदर का स्नीक पिक दिखाती हूँ, लाइक ही लिटरली टेक हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी इनटू हिज जिम बैग, मतलब उस पर प्रोटीन पाउडर होंगे एंड शूज़ एंड वॉट नॉट। अच्छा एंड एक और चीज़, मतलब माइलो की सोने की जगह देखो, ही स्लीप्स इन अ सिंक, मतलब उसको तीनों बाथरूम में से जो भी सिंक अच्छे लगते हैं ना उसमें जाके सोता है, मोस्टली वो इस वाले रूम के जो बाथरूम है उसमें ही आकर सोता है। सो या उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसमें। अच्छा ठीक है, अब है ना यहाँ पर मैं अपना आउटफिट डिसाइड कर रही हूँ। आई सो वांटेड टू वेयर दिस डेनिम जैकेट फ्रॉम सो लॉन्ग, तो लेकिन है ना जीन्स भी डिसाइडेड है और ये वाली जैकेट भी डिसाइडेड है, लेकिन इसके अंदर की जो टॉप या कुर्ती है वो कौन सी पहनूँ, तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज थी। पहले मैंने ये ग्रीन वाला ट्राई किया था, बट ये लिटरली बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, और ये इसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। सो मम्मी ने कहा कि बस अब इसको फेंकने की जो है वो डेडलाइन है ना वो आ चुकी है, फेंक दे। सो मैंने दिल पर पत्थर रखे, इसको फाइनली मैंने रिटायर कर दिया है। और यहाँ पर मैंने इसके पहले सनस्क्रीन लगाया, बिकॉज आई गॉट अ ईयर फुल ऑफ थिंग्स टू हियर बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैं सनस्क्रीन नहीं लगाती हूँ, मेरी कज़िन ने मुझे अच्छा खासा सुनाया। अच्छा ठीक है, इसके बाद मैं घर से निकल चुकी हूँ, यहाँ पर मैं बैंक पहुँच चुकी हूँ, अपना काम यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ, और बैंक में लिटरली इस दिन इतनी ज़्यादा रश थी, आई लिटरली डोंट अंडरस्टैंड कि क्या ऐसे, मतलब कौन सा ऑफर या सेल लगी हुई थी बैंक में, मुझे नहीं समझ आई थी। ठीक है, मेरा काम तो खैर हो गया था जल्दी, बिकॉज जिस काउंटर पर मुझे काम था उस पर ज़्यादा रश नहीं था। ओके, सो अब यहाँ से मैं निकल चुकी हूँ क्लास जाने के लिए, आई वॉज़ वॉकिंग बाय, मैंने तो पहले सोचा बहुत ज़्यादा धूप है, मैं रिक्शे में चली जाती हूँ, बट आई थॉट नहीं, थोड़ा सा वेट लॉस करना है, सो आई नीड टू वॉक। ओके, सो वापस लौटते वक्त मेरे हिजाब की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी, मेरे पिंस खो चुके हैं हिजाब के, और बस जैसे तैसे मैं इस हालत में घर पहुँची हूँ। अच्छा, सो घर पहुँचने के बाद है ना मेरा ये प्लान था कि मैं शावर लूँगी, क्योंकि मुझे हेयर वॉश करना था, क्लास जाने से पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन उस वक्त मुझे टाइम नहीं मिल पाया। सो मैं ना दोबारा से लौट कर हेयर वॉश करना है मुझे, लेकिन उसके पहले मुझे भूख लगी है, तो मैंने लंच किया टीवी देखते हुए, और उसके बाद फिर मैं शावर लूँगी, और फिर मैंने थोड़ी देर के लिए बुक रीड किया, और फिर मैं सुकून से सोई हूँ, बिकॉज आई टुक अ शावर एंड इट वॉज सो रिफ्रेशिंग कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाली नींद आई है। सो एक घंटा आराम से सोकर उठी हूँ मैं, और उसके बाद चाय जो है मैंने पी, अम्मी ने ऑलरेडी बना रखी थी, सो थोड़ी देर के लिए चाय पी, और फिर दोबारा से मैं अपने काम पर लग गई, जो मेरा प्रोजेक्ट का सबमिशन है नेक्स्ट डे। सो काम तो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका था मेरा, बस थोड़ी बहुत चीज़ें बची थी, सो वो मैंने फिनिश की है, एंड आई वॉज लिटरली फ्रस्ट्रेटेड कि मतलब कब खत्म होगा वो। अच्छा, उसके बाद फिर किचन में चली गई और डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए। सो या मुझे मतलब
do this well. We will go with no drink, we drink, yeah. Sorrow, yeah. My biggest dream's to see you. I dream of freedom, I dream of peace of mind, I dream of love, supernatural love, and everything I have makes me long for more, and the more that I have, the more I long for more. So this makes me realize that this world will never satisfy. अच्छा काम है ना ख़त्म कर लिया था हमने किचन का, और उसके बाद यहाँ पर बैठकर ना मैं टीवी देखने वाली थी। वैसे अम्मी ने एक और एक काम पकड़ा दिया कि वी नीड टू क्लीन ऑल दीज कोरिएंडर्स एंड जिंजर एंड ऑल दैट। तो मैंने बोला ठीक है भैया लग जाते हैं, और दादी भी मेरे साथ लग गए थे, सो हम दोनों ने मिलकर वो सारा काम ख़त्म कर लिया। और यहाँ पर ना हमने डिनर वगैरह कर लिया है, ये आखिरी बार बस मैं टचअप देने के लिए आई हूँ। एंड यहाँ पर माइलो तो वैसे इंजॉय कर रहा था, लेकिन जैसे मैंने इसे रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया ना, इसके इतने ज़्यादा नखरे ना, ही लिटरली जस्ट इग्नोर्ड मी, मतलब ये मुँह फेर उस तरफ चला गया। इसे जब खाना चाहिए तो ये तभी मेरे पास आता है। हाउ सेल्फिश ऑफ हिम। खैर कोई बात नहीं, दिस इज़ व्हाट यू कॉल अ टॉक्सिक लव। अच्छा तो अब बारी आती है मेरे टीवी सेशन की। मैं यहाँ पर लाइट्स ऑफ करके उसके बाद में बैठ के टीवी देखूंगी, एंड ऑल्सो आई एम गोना ट्राई आउट दिस न्यू केक फ्लेवर। वैसे तो आई लव चॉकलेट केक्स, लेकिन चॉकलेट स्ट्रॉबेरी केक का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होता है, आई नो दैट, लेकिन चॉकलेट ऑरेंज का कॉम्बिनेशन मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तो दिस इज़ जस्ट अ सिंपल बॉन्ड केक, आई एम गोना ट्राई इट आउट। और मतलब मुझे इतना ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं आया। वेल द फ्लेवर वॉज गुड बट नॉट दी बेस्ट। खैर कोई बात नहीं, आई एम गोना eat cake and enjoy my time. Okay, so that's it for today's video. I hope you guys liked it, aur agar pasand aaya ho so do give it a like and please subscribe to my channel. Milte hain next vlog mein, tab tak ke liye yes, take care of yourself, stay positive, keep smiling, keep chilling guys, bye bye.